गायब हुए बच्चे को समथर पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चे के साथ वह अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसने पैसे की लालच में बच्चे को अगवा किया था। पुलिस ने बच्चा उसके माता पिता को सौंप कर आरोपी को हवालात में डाल दिया है। घटना 13 जून की रात्रि की है, जब भोपाल के गांधीनगर में रहने वाले रामकुमार धाकड़ अपनी पत्नी रीना के साथ झांसी से भोपाल जा रहे थे। ट्रेन के इंतजार में सभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठे थे। इसी बीच राजकुमार नल पर पानी लेने के लिए गया था, तभी उनका 3 साल का बेटा गायब हो गया था। आनन फानन में सभी बच्चे की तलाश में जुट गए, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। बच्चे की तलाश के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने अन्य स्टेशनों से संपर्क साधा, साथ ही जीआरपी की 2 टीमें गठित कर जबलपुर भेजी गई, लेकिन वहां भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद सोमवार को समथर थाना अध्यक्ष मोहम्मद इमरान गश्त पर थे। इसी बीच एक व्यक्ति भी आया, लेकिन पुलिस को देखकर वह भागने लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। थानाध्यक्ष मोहम्मद इमरान ने तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना नाम जगत सिंह निवासी ग्राम बसोई थाना समथर बताया। उसने बताया कि बच्चे को झांसी स्टेशन से अकेला पाकर वह गोदी में लेकर चला गया और गांव आकर 2 दिन तक बच्चे को अपने साथ रखा। वह बच्चे को बेचने की फिराक में था, लेकिन बच्चे का सौदा नहीं हो पा रहा था। इसी बीच सोमवार को वह बच्चे को साथ लिए एक ठेके पर शराब खरीदने आया था। वह बच्चे को ठेके के बाहर खड़ा करके चला गया, तभी पुलिस वहां आ गई और बच्चे के साथ अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ भोपाल से आ रहा था और उन लोगों को झांसी उतर के कोई ट्रेन चेंज करनी थी, तो वो प्लेटफॉर्म पे थे। उस बीच में बच्चा कहीं टहलता हुआ निकल गया और इसके बाद वो गायब हो गया। तो बच्चा अभी रिकवर हो गया है, हमारा थाना है समथर, वहाँ के एसओ ने बच्चे को रिकवर किया है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला जो अभियुक्त है, पता चला है कि वो प्लेटफॉर्म से उसको उठा लाया था बच्चे को। थानाध्यक्ष ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेके शुक्ल के साथ जीआरपी को जानकारी दी और बच्चे को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से मनीष अली के साथ अरविंद श्रीवास की रिपोर्ट।